हाँ देखो बेटा, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यूकेरेटिक कोशिका को पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। द यूकेरियोटिक सेल आर इसेंशियली टू एनवलप सिस्टम। याद रखो बेटा, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम लोग पढ़ रहे थे, तो पोस्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल एक ही सेल मेम्ब्रेन द्वारा चारों ओर से घिरी होती है, जबकि ऐसा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो बाहर की ओर एक सेल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, इसके साथ इसके जितने भी कोशिकांग होते हैं सब के सब चारों तरफ से मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। इसका मतलब एक से अधिक एनवलप सिस्टम यानी खोल जैसी रचना इसमें पाई जाती है। एंड दे आर वेरी मच लार्जर दैन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बहुत अधिक बड़ी होती हैं बेटा। सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स एनवलप द न्यूक्लियस एंड अदर इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स। याद रखो बेटा, प्राइमरी मेम्ब्रेन क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो इसके पास है वो न्यूक्लियस को घेरे हुए है, कोशिकांगों को घेरे हुए है, जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। एंड अ ग्रेटर एक्सटेंट दे प्रीवेड्स द साइटोप्लाज्म एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पूरा मेम्ब्रेन का बना हुआ संरचना है इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरे के पूरे कोशिका द्रव में बेटा फैला हुआ है इसके। द यूकेरियोटिक सेल्स आर ट्रू सेल्स। ये देखो बेटा, यूकेरियोटिक कोशिकाएं ही सत्य कोशिकाएं हैं, विच ऑकर इन प्लांट फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो रियल कोशिकाएं हैं, सत्य कोशिकाएं, वास्तविक कोशिकाएं हैं, जो शैवाल से लेके आवृत बीजी पौधों तक, एंजियोस्पर्म तक पाई जाती हैं। एंड एनिमल्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। और अगर बात जंतुओं की करें तो ये प्रोटोजोआ से मैमल तक पाई जाती हैं। थ्रू द यूकेरियोटिक सेल दो द यूकेरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट शेप। यूकेरियोटिक सेल्स द डिफरेंट शेप एंड साइज, शेप साइज एंड फिजियोलॉजी। याद रखो बेटा, अगर हम लोग बात यूकेरियोटिक कोशिकाओं की करेंगे तो इसका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, और फिजियोलॉजी कार्य भी अलग होता है। एंड द आल सेल्स आर टिपिकली कंपोज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी की सभी कोशिकाएं जो हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं, वो सभी की सभी बनी होती हैं बेटा, या उनके अंदर पाया जाता है क्या क्या, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसके अपने सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका अगर होगी तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा ही रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा ही रहेगा, और उसके अपने कोशिकांग भी रहते हैं, जैसे सच एज माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोजोम्स, गॉल्गी अपरेटस एंड ट्रू न्यूक्लियस। और सत्य केंद्रक होता है। सत्य केंद्रक मतलब ये हो गया कि कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। हियर द न्यूक्लियर कंटेंट सच एज डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियो प्रोटीन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाई अ थिन परफोरेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में क्या क्या है, तो उसमें न्यूक्लियर कंटेंट में डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियो प्रोटीन भी है, और न्यूक्लियोलस भी है, रिक्तिका भी है, अरे केंद्रिका भी है। ओके, और ये सभी रचनाएं साइटोप्लाज्म से अलग हैं। कैसे अलग हैं? तो एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो छिद्र युक्त है, परफोरेटेड है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के मटेरियल को अलग अलग करती है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ सेल इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, इट विल बी एडवाइजेबल कंसिडर टू जनरल फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल विल बी एज फॉलो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो और सब कोशिकांग हैं और सब रचनाएं हैं कोशिका का, ठीक है, उसके पहले हम इसके अलग अलग पहलुओं को जान लेंगे इस पैराग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग हम लोग की होगी सेल से।